शो के बीपी कौन बनेगा पद्मा पदम पति में आप सभी भाई बहनों का है बेहद स्वागत। आज दिन है रविवार का और रविवार का दिन होता है हमेशा कुछ खास, इसलिए सुनाते हैं आपको खूबसूरत लाइनें हम भी आज। किसी ने क्या खूब कहा है, रविवार को रविवार ही मानिए, कुछ इच्छाएं परिवार की भी जानिए, काम काज तो जिंदगी भर का है, कुछ अरमान दिल के भी तो पहचानिए। रविवार के दिन करते हैं सभी आराम और करते हैं पूरे हफ्ते भर की फिर से एक नई तैयारी। तो जब भी हम बाबा के बच्चे रविवार को बैठे तो अपनी पूरे हफ्ते की चेकिंग करें, इस हफ्ते मैंने क्या क्या गलती की है, क्या क्या मुझे सुधार करनी है, अगले हफ्ते को बहुत बेहतर बनाने की एक प्लानिंग करें। वैसे तो हर रोज चार्ट मेंटेन करना होता है, पर संडे को स्पेशल चेकिंग करें कि ये हफ्ता मेरा अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने सेंटर पे बहुत सुंदर बीतेगा, ऐसी प्लानिंग करें। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो बल्कि हर हाल में चलना सीखो। तो चलिए वक्त को चला है मंजिल की ओर बढ़ने का और आपके सामने 10 प्रश्नों का ये खेल शुरू करने का। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे जिनका जवाब सही देने पर आपको मास्टर मुरलीधर का ताज पहनाया जाएगा। तो बारी है शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर एक याद में पहले प्रश्न का उत्तर देने की। पहला प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर साथी और डैश की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाली सर्वशक्ति संपन्न भवा। साथी और डैश की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाली सर्वशक्ति संपन्न भवा। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सारथी, ऑप्शन बी साक्षीपन, ऑप्शन सी करण करावनहार और ऑप्शन डी बाप। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपको बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर अगले 30 सेकंड के वक्त में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने रख दिया गया है, बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। एक ही याद में रहने वाले नंबर वन में आने वाले सभी भाई बहनों को बताते हैं आज के प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी साक्षीपन। तो चलिए आज आपने दिया है पहले प्रश्न का सही जवाब, तो पहले प्रश्न में ही ले लेते हैं बाबा से सर्वशक्तियां ताकि आगे का खेल हो बेहद सुंदर। पहुंच जाइए परम धाम में महाज्योतिमान सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे। सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां आपके अंदर समाने लगी। सौ प्रतिशत आपकी बैटरी चार्ज करके आप आ गए वापस अपने स्थान पर। तो सर्वशक्तियों से संपन्न होने वाले सभी भाई बहनों को बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप सभी ने दिया है पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और भर भी ली है शक्तियां असीम अपार। तो देने के लिए आप सभी हैं दूसरे प्रश्न का सही जवाब। तो देते हैं आपको आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कोई में विशेषता रूपी बीज तो है लेकिन कार्य में लाना यह है डैश। कोई में विशेषता रूपी बीज तो है लेकिन कार्य में लाना यह है डैश। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बीज को धरती में डालना, ऑप्शन बी बीज की विशेषता को पहचानना, ऑप्शन सी विस्तार को प्राप्त करना, ऑप्शन डी
वृक्ष के रूप में वृद्धि होना। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त हुआ। बताते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीज को धरनी में डालना। तो चलिए अब लेते हैं मम्मा बाबा से डबल बधाइयां दूसरे प्रश्न की ओर से। सभी अनुभव करें मम्मा बाबा का वरदान हाथ आप सभी के सिर पर। और बाबा ने दी आपको, मम्मा ने दी आपको बहुत सारी दुआएं और वरदान। और आप सभी भर गए सर्व शक्तियों से, सर्व वरदानों से। तो ऐसे भाई बहनों को करते हैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने दो प्रश्नों का दिया है बिल्कुल सही जवाब। बाबा ने आज सुनाया सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। तीसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर विशेषता भरने वाला बाप है। क्या बने तो विशेषता एक चार ऑप्शन। ऑप्शन ए बाप के, ऑप्शन बी जी के, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी निर्माण चित्र। ऑप्शन ए बाप के, ऑप्शन बी बी के, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी निर्माण चित्र। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब कि विशेषता भरने वाला तो बाप है, क्या बने तो विशेषताएं। उससे पहले विशेषताएं थी लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में सामने कब आई। और विशेषता भरने वाला तो है मीठा बाबा। और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ, टाइम्स अप। आपने अपने हिसाब से दे दिया है इस प्रश्न का सही जवाब, पर अब बारी है कंप्यूटर जी की। कंप्यूटर जी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राह्मण। तो आप सभी ब्राह्मणों के लिए मैं भी के सज्जन करता हूँ नमन और भेज रहा हूँ आप सभी को यहाँ से डिजिटल तालियां। जरा स्वीकार करिएगा जी हमारे दिल की दुआएं आपके लिए जो निकली है, उसे स्वीकार करिए और भर लीजिए आपकी झोलियाँ। तो बाबा ने आज सुनाया अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम सदा शुद्ध संकल्पों में ही रमण करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है पूज्य की निशानी है धूप जलाना डैश आरती करना कीर्तन करना तिलक लगाना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना डैश आरती करना कीर्तन करना तिलक लगाना। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया जलाना, ऑप्शन बी नमन करना, ऑप्शन सी प्रसाद लगाना, ऑप्शन डी हार पहनाना। 30 सेकंड का वक्त लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। बताना है इस प्रश्न का सही जवाब कुछ सेकंड्स के अंदर। समाप्त हुआ। अब बारी है इस प्रश्न का सही जवाब बताने की। इस प्रश्न का सही जवाब है हार पहनाना। तो आप सभी भाई बहनों को बेहद मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। आपने दिया है इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए अनुभव कीजिए अपने पूज्य स्वरूप को, स्मृति में लाइए।
मैं आत्मा वही हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। अति दिव्य अलौकिक स्वरूप में स्थित हूँ। मैं सदा देने वाली दाता इष्ट देवी हूँ। सदा इसी नशे में रहे मैं तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आत्मा हूँ, सबको देने वाली आत्मा। और चलिए बढ़ते हैं आगे और पेश करते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो चाहे किसकी करो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो चाहे किसकी करो। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए वाणी से, ऑप्शन बी कर्मों की, ऑप्शन सी मुख द्वारा, ऑप्शन डी नयनों द्वारा। ऑप्शन ए वाणी से, ऑप्शन बी कर्मों की, ऑप्शन सी मुख द्वारा, ऑप्शन डी नयनों द्वारा। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू हो गया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड आपके पास, बताना है प्रश्न का सही जवाब। इशारा दे दिया है कि वक्त हो गया है इस प्रश्न का सही जवाब बताने का। इस प्रश्न का सही जवाब है वाणी से। तो आप सभी ने किया है कमाल और दे दिया है पांच प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब। तो आप सभी को करते हैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। पांच प्रश्नों का दिया है सही जवाब, इसलिए आप सभी को देते हैं बहुत मुबारकबाद, दिल की दुआएं। और अनुभव करें कि आप सभी आत्माओं के सिर पर हमारे सभी वरिष्ठ दीदी दादियों का वरदानी हाथ है। आप सभी अकेले नहीं हैं बल्कि सूक्ष्म रूप में पूरा ब्राह्मण परिवार आपके साथ है। चलिए इसी के साथ बढ़ाते हैं खेल को आगे और रखते हैं आज का छठवां प्रश्न। अव्यक्त मुरली में से बहुत सारे प्रश्न छांट कर लाते हैं और अव्यक्त मुरली आप सभी भी ध्यान से पढ़कर आते हैं। तो बताइए छठवें प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी क्या हो गया है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए प्रसिद्ध, ऑप्शन बी अविनाशी, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी प्रख्यात वर्ण। ऑप्शन ए प्रसिद्ध, ऑप्शन बी अविनाशी, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी प्रख्यात वर्ण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त आपके पास, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। बाबा ने सुनाया है आज अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्मा जीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। तो आप सभी अपने अलौकिक तख्त पर विराजमान तो हैं ही, अलौकिक आत्मिक स्थिति में। और आप सभी ने इस स्थिति में स्थित होकर दिया है जवाब। लेकिन अब पारी है इस प्रश्न का सही जवाब बताने, क्योंकि वक्त समाप्त हो गया है। तो बता दें इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अविनाशी। ऐसी महान अजर अमर अविनाशी आत्माओं को हम देते हैं दिल से दुआएं कि आप बढ़ते रहे यूं ही आगे, यूं ही हासिल करो आप सफलता। एक दिन आप इतिहास रचाओ,
पार करो हर बाधा को, सारे जग पर आप छा जाओ, तो आपको आपके इस जीत की बहुत बहुत बधाइयां। चलिए बढ़ते हैं आगे और रखते हैं आज का सातवां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। सातवां प्रश्न है, जो बाप के डैश में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं नहीं जा सकता, तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए छत्र छाया, ऑप्शन बी मौज, ऑप्शन सी हाथ और साथ, ऑप्शन डी स्नेह। ऑप्शन ए छत्र छाया, ऑप्शन बी मौज, ऑप्शन सी हाथ और साथ, ऑप्शन डी स्नेह। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने आपको वक्त दिया है इस प्रश्न का सही उत्तर देने का, तो लीजिए वक्त का पूरा फायदा और बता ही दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। हुआ वक्त यही समाप्त, और वक्त ने दिया है इशारा कि आपको बताना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है हाथ और साथ। तो हाथों में हाथ देकर और बाप के साथ रहने वाली ऐसे भाई बहनों को दिल से मुबारकबाद निकलती है, देते हैं मुबारक, मुबारक और बेहद मुबारक। आप सभी को बेहद हो बधाई कि आपने दिए हैं सात प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर। तो आप सभी भाई बहन बहुत श्रेष्ठ खेल खेल रहे हैं। चलिए बारी है दृष्टि लेने की, आज देखते हैं सूक्ष्म रूप में हमें किससे दृष्टि मिलेगी। तो कंप्यूटर जी ने हमारे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा को हमारे सामने उपस्थित करा है सूक्ष्म रूप में। सभी अनुभव करिए बाबा की पावरफुल दृष्टि हमें मिल रही है। बाबा से सर शक्तियां भरने के बाद बारी है आठवें प्रश्न को आपके सामने रखने की। प्रश्न है, ग्रस्त जीवन है ही डैश समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। ग्रस्ती जीवन है ही डैश समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी झुकने के, ऑप्शन डी जानवर। ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी झुकने के, ऑप्शन डी जानवर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आठवां प्रश्न लाया है पावर ऑफ सकाश पाप दादा की आज, जिसका उत्तर बताना होगा आपको अभी इसी वक्त दिए हुए वक्त में। और वक्त समाप्त, टाइम सब भाइयों बहनों, चलिए बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बकरी। आया है वह अवसर जिसमें आपकी मेहनत है रंग लाई, यूं ही मिलती रहे सफलता और हम आपको देते रहे सदा बधाई। तो आपकी सफलता पर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है, अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, किससे मिलता है? विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है, अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, किससे मिलता है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए आसानी से मिलता है, ऑप्शन बी बाप का बनने पर मिलता है, ऑप्शन सी याद से, ऑप्शन डी स्वतः। ऑप्शन ए आसानी, ऑप्शन बी बाप का बनने का, ऑप्शन सी याद, ऑप्शन डी स्वतः। 30 सेकंड का वक्त लीजिए, सफल कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। 90% खेल चल रहा है अभी। नौवा प्रश्न आपके सामने रखा गया है, जिसका सही जवाब आप हमें बता रहे हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से। Thank you.
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्वतः। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो आपको है ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने दिया है सही जवाब। पर बचा है सिर्फ एक सवाल, तो देरी ना करते हुए आपके सामने रख ही देते हैं आज का दसवां प्रश्न। दसवां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर, ये रहा आज की मुरली का वरदान बताइए। आज की मुरली का वरदान लिखकर बताइए 30 सेकंड के अंदर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त। और आपको बताना है सही जवाब। समय समाप्त हो गया है, चलिए देरी ना करते हुए बताते हैं सही जवाब। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों से मुक्त होने वाली सर्वशक्ति संपन्न भवा। तो आपने 10 के 10 प्रश्नों का सही जवाब देकर जीत लिया है मास्टर मुरलीधर का ताज। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने दिन का चैन खोया है, रातों की नींद गवाई है, अपनी मेहनत से आपने आपकी अपनी पहचान बनाई है। तो आपको पदोन्नति प्राप्त करने की ढेरों देते हैं हम फिर बधाई है। अनुभव करें वतन से पुष्पों की वर्षा आपके ऊपर हो रही है, क्योंकि आपने कर लिया है मास्टर मुरलीधर का ताज आपके अपने नाम। तो चलिए चलते हैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। पहुंच जाइए फरिश्ते बनकर बाप दादा की गोद में। हम तो बाबा के लाडले बच्चे हैं, बाबा की गोदी में बैठेंगे। सब बैठ जाइए बाबा की गोदी में। हमारा प्यारा बाबा हमारा मातपिता है, उसकी गोदी में बैठकर आनंद लीजिए। और बाबा प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से निहाल कर रहे हैं, अनुभव करें। और सर्व शक्तियाँ और वरदानों से मुझे संपन्न कर रहे कह रहे हैं बच्चे। मास्टर मुरलीधर भवा। मास्टर मुरलीधर का वरदान लेकर पहुंच जाए अपने स्थान पर वापस, और हमें दीजिए इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे आपको आपके अपने शो में ठीक इसी वक्त इसी चैनल पे। तो देखना ना भूलें, और तब तक ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। ओम शांति, गुड नाइट, गुड बाय।